करके आगे बढ़े हैं और बहुत गरीब परिवारों के बच्चे और नौकरियों में आए हैं। और यहाँ तक भी स्पेशल प्रावधान किए कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको हम 5% अतिरिक्त अंक देंगे। और इसमें से बहुत लोगों के, बहुत ऐसे परिवारों को लाभ हुआ है जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, दो समय का भोजन नहीं था, सिर पर छत नहीं थी और कमाने वाले बहुत मेहनत करके माता पिता और उनकी पढ़ाई कराते थे। पढ़ाई कराने के बाद योग्यता के आधार पर वो पीछे रह जाते थे, नकल करने वाले आगे बढ़ते थे या पैसा खर्च करके स्पर्श करके आगे बढ़ते थे। आज हरियाणा में एक वातावरण बना है, यही शासन में अब कोई से किसी की स्पर्श नहीं चलेगी। एक बड़ा काम हमने किया कि नौकरियों में क्लास सी और डी इसके अंदर केवल एग्जाम होता है, इसमें हमने इंटरव्यू की प्रथा खत्म कर दी। क्योंकि अगर जहां भी कहीं गड़बड़ होने के चांस होते हैं वो इंटरव्यू में ज्यादा होते हैं, हमने सी और डी की भर्ती में इंटरव्यू स्वाप्त कर दिए हैं। ऐसे ही नौकरी के लिए जो बार बार आवेदन करने का विषय आता था उसको हमने समाप्त कर दिया है कि एक बार युवा को आवेदन करना है और एक ही आवेदन पर लगातार 3 साल तक जितने भी टेस्ट होंगे वो सब टेस्ट उसी फीस में उसी आवेदन पत्र पर वो दे सकते हैं। और ग्रुप सी और डी दोनों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी के लिए जैसे अभी अगले दिनों में 3 दिन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, लगभग 11 लाख लोगों ने यानी नौजवानों ने और उसमें अप्लाई किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा पारदर्शी तरीका है कि उनको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और एक ही एग्जाम से